गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक टू माय चैनल द वांडरिंग योद्धा. माय नेम इज सुहेल कंवर और आज हम आपको एक चंडीगढ़ की न्यू लोकेशन पे लेके जा रहे हैं. मतलब इतने लोग नहीं गए हैं अभी, काइंडली अनएक्सप्लोर्ड ही है, तो लेके चलते हैं आपको. लेट्स गो. तो भाई साहब, आप आ गए सिसवान डैम पे. ये लोकेशन थी जहाँ पे मैं आज आपको लेके जा रहा था. तो मैं अभी बोट्स वाले सेक्शन पे खड़ा हूँ और यहाँ से कुछ ये रिजर्वायर है, पानी रोक रखा है यहाँ पे, तो ये टूरिस्ट स्पॉट बन गया अभी के लिए. तो हमारा तो मेन मकसद है भाई, यहाँ पे ट्रेल, जो यहाँ पे एक ट्रेल है वो कर रही है, वहाँ पे जाएंगे ट्रेल पे और वहाँ की चीज़ें आपको दिखाऊंगा मस्त मस्त. कैसा है ट्रेल, कैसे जा सकते हो, है ना, ट्रैकर्स के लिए. तो भी वहाँ जाएंगे. राघव आया अपने साथ आज और बैठा है, और राघव अभी कुछ खा के नहीं आया घर से, खा रहा है. उसके बाद हम ट्रेल पे निकलेंगे, तो तब तक आप व्यूज़ एंजॉय करो. So here we have Raghav with us today. Mr. Lambu. भाई मेरा मजाक मत बना. लो जी, राघव का ब्रेकफास्ट आ गया. मेरा आ गया अकेले का ब्रेकफास्ट है. खाइयो मत बिल्कुल भी, मैं बता रहा हूँ. चढ़ने के लिए इसको जान चाहिए. ना फिर मैं कुछ बोल दूंगा. नहीं प्लीज. मैं तो बस फिर कंट्रोल योर इमोशन. वो भाई ले करवा दिया ना काम. देखा मैंने कराया, देखो हाथ भी नहीं लगाया और मैं मेरी ताकत देख रहे हो. मैंने 804 का टाइम है. लो भाई जी, एंटरिंग द ट्रेल. तो टाइमिंग्स आर फॉर द ट्रेल 8 AM टू 4 PM. और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस जिसको रास्ते में बताते रहेंगे. तो भाई ट्रैक की चढ़ाई शुरू. ओ यार, ये पहली छोटा सा स्टेप है, ये मैं बता रहा हूँ. ये लो फोन. ट्रैक की चढ़ाई शुरू होगी भाई. और अगर मैं चल दिए ऊपर से. भाई ऊपर से जंगलों में से आवाजें आ रही. भाई कोई नहीं आता जंगल में. मंगल स्नेक प्लांट्स. 500 मीटर तक आ गए और कुछ व्यू ऐसा है यहाँ से. भाई मेरे को लग रहा है स्टार्टिंग पॉइंट ना हो यार, हमारा मजाक ना बन जाए. और भाई ये कुछ आर्टिफिशियल ऐसा एंट्रेंस सा बना रखा है. मे बी यहाँ पे आने वाले टाइम में कुछ लगाएंगे बोर्ड वोर्ड टाइप. और मे बी हमारा ट्रेल ही असल में यहाँ से शुरू हो रहा है. नकली सीमेंट. ओके, तो ऐसा कुछ व्यू है नीचे से पानी. सर्कल मार्क्स होते हैं, उसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं उनकी एज. तो भाई क्या बोलते हैं इसको, डेंड्रोक्रोनोलॉजी. वाओ, तो नई नई चीज़ें पता लग रही हैं. राघव को पहले से पता थी तो गाइड कर दिया. तो ट्री की एज कैसे देखनी है, तो उसके भाई मैं मैनुअल से गाइड देख सकता हूं यार. तो उसके जो स्टेम के अंदर होते हैं ना चक्रास, उससे आप उसकी एज एस्टिमेट कर सकते हो जो ट्री होती है. तो यार कुछ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद आपको ये कोई व्यू पॉइंट मिलेगा, करीर व्यू पॉइंट. और यहाँ से रेंजेस ऐसे दिखती है बोली. भाई कितना, 1 किलोमीटर तो कर लिया होगा हमने. हाँ हाँ, तो भाई 1 किलोमीटर करने के बाद एक और द्वार हमारे पास. लेट मी चेक. ओह, 1 किलोमीटर कर लिया ब्रो. हाँ, 1 किलोमीटर हमारी हो गया ट्रेल कंप्लीट. एंड वी आर गोइंग प्रीटी फास्ट. नो आराम से वापस. क्या ढीला आदमी है तू यार. व्यू शिवालिक रेंजेस का. I want to see some wild animals. It's my request to them. Please come in front of us.
भाई कोई खड़ी बड़ी नहीं है, ये देख बोतल गिर गई, ये भी नहीं, ये भी कह रही है बोतल भी, मैं यही मारने के सोच रहा हूँ, हम नहीं मार पाएंगे भाई। भाई डंडे डंडे उठा ले क्या? भाई कोई नहीं है, अकेले चले हुए हैं ट्रैक पे दोनों हम, अभी सिर्फ कुछ वो काम कर रहे थे यहाँ पे, वही दिखे थे, बाकी कोई नहीं दिखा। कुछ ज़्यादा ही प्यारा व्यू है, फोटोज क्लिक करी भाई, और यहाँ से कुछ यार तूने मेरी चलते हुए वीडियो नहीं बनाई यार, चलते हुए वीडियो अभी बना देते हैं भाई, ऐसे नहीं ना, मेरे को सामने की चाहिए थी। लो दो फोन साथ साथ में बनाएंगे। तो भाई ब्यूटीफुल ट्रेल, अभी तक जंगल जंगल था, यहाँ से बहुत अच्छा प्यारा व्यू था। गर्मी लग रही है, जैकेट्स उतर चुकी हैं। मिस्टर राघव गुप्ता ऑन द फ्लोर ऑन द ट्रेल, ऑन द ट्रेल ब्रो, चल रहे हैं भाई आगे। कुछ व्यू देखो यहाँ का, मस्त कितना आ रहा है एकदम, मौसम व्यू पूरी, ये शिवालिक हिल्स हैं पूरी की पूरी, शिवालिक रेंज, और भाई पूरे घने जंगल में अपना इस टाइम पे भाई पूरे। तो भाई अच्छा ट्रेल है ये, मतलब नेचर्स वॉक बोलते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है, नेचर्स वॉक ही है, और बढ़िया ट्रेल है, मतलब ट्रेल लवर्स नेचर लवर आ सकते हैं, मतलब सेफ प्लेस है, मतलब हाँ हमें कोई दिख नहीं रहा है, पर आगे तक जाके और दिखाएंगे। ट्रेल बहुत अच्छा है भाई, है जंगल वाला ट्रेल ना पूरा, अपने जुगाड़ बनाया एक, आप लोग भी कर सकते हो, जैसे आपके पास अगर जैसे बैग नहीं लेके आते, बॉटल्स वगैरह लेके आते हो, चिप्स लेके आते हो, तो आप राघव की पॉकेट में डाल सकते हो। तो राघव को साथ जाना पड़ेगा ना उसके लिए, मतलब आप ऐसी हुड्डी की बना सकते हो, देखो एक मिनट राघव, तो हमने भाई ऐसी हुड्डी राघव की थी, इसने शोल्डर पे टांग रखी थी, तो इसके अंदर बॉटल डाल दी, अब हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं है, हैंड्स आर फ्री नाउ। तो भाई हम लोग एंटर कर चुके हैं सुनसान एरिया में, तो पहले क्या था कि मिट्टी मिट्टी वाला एरिया था, क्योंकि लोग आते हैं तो होता नहीं, अब घास भी आनी शुरू हो गई है ट्रेल पे, तो यहाँ कम लोग आते हैं भाई, पूरी घास ही आ गई तो अब घास वाला एरिया चलना शुरू हो गया, तो यहाँ पे आते कम लोग हैं। तो भाई 2.5 किलोमीटर होने के बाद हमारा कट गया, माइट भी भाई ये बंद कर रखा है, शायद गाड़ियाँ ना जाएं, अब माइट भी या फिर जानवर जानवरों के, अब ये नहीं समझ आ रहा कि रिस्क लेना है कि नहीं लेना, जाएं कि नहीं जाएं, इतनी दूर 2.5 तो आ गए, देखें थोड़ा सा चलते हैं, देखी जाएगी, चल चलते हैं आज भाई, इसने शेर का शिकार होना ही होना है, चल चलते हैं। देखिए ऐसा पेड़ गिरा रखा है यहाँ पे बीच में, ये देखिए रास्ता जा रहा है, दो रास्ते, एक ये एक ये, या तो हम गलत रास्ते से, हमें आना इस तरफ से, ऐसा चाहिए था, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, समझ नहीं आवत है भाई, रुको डिसाइड करते हैं, और यहाँ से कुछ व्यू ज़्यादा ही बढ़िया भाई, तगड़ी फोटो आ रही है, बहुत ही तगड़ा व्यू है, बहुत ही तगड़ी फोटो है, यहाँ पे फोटोज क्लिक कराएंगे, और ये पेड़ देखो कितना बढ़िया लग रहा है भाई, ये तो अभी देखा, इस पे चिड़िया भी बैठी हैं भाई, ये पेड़ देख, वाले ही तो कह रहा हूं। हाँ पेड़ देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये तो अच्छा लग रहा है। तो भाई अपा ने मैप वैप खोल के देखा है, कुछ नहीं पता लग रहा तो अपा है तो राइट डायरेक्शन में, थोड़ा सा डायरेक्शन सेंस लगाई है, बाकी कुछ पता सा नहीं लग रहा, लेकिन है भाई वो सही सा नहीं है रास्ता, देख देख ना उसमें लकड़ियाँ झाड़ियाँ सी हैं, तो भाई डायरेक्शन सेंस तो आपा सही जा रहे हैं, और रास्ता भी हमारा सही है, और यहाँ से गाड़ी का रास्ता बना हुआ है, तो ना नीचे जो लिखा हुआ था वहाँ पे मिर्ज़ापुर लिखा हुआ था कि आगे जाके एक मिर्ज़ापुर जगह आती है, तो आगे ही है यहाँ से, तो वहाँ तक तो चलते हैं एटलीस्ट, फिर वहाँ पे कोई मिल जाए तो पूछते हैं। तो भाई आपा सही रास्ते पे थे, डायरेक्शन सेंस अपनी अच्छी काम करी राघव और मेरी, ये देखो ये मिर्ज़ापुर गाँव आ गया पूरा, और ये हमारा ट्रेल है, यहाँ से चलेंगे, और ये कुछ व्यू पॉइंट है यहाँ से, माइट भी मैप पे दिखा रहा था ये, इसका नाम है पानी पानी पॉइंट, अब देखते हैं, पानी तो कहीं दिख नहीं रहा, तो यार मिर्ज़ापुर जो गांव है और डैम है उसका व्यू पॉइंट है यहाँ पे, घास उड़ चुका है छत से, और ये देखो व्यू पॉइंट अच्छा, लेकिन ये पूरा पूरा मिर्ज़ापुर गांव है,
तो भाई लोग अपन नीचे उतर आए हैं काफ़ी ज़्यादा। ये देखो सिसवान डैम बिल्कुल जहाँ पे पानी है, रिजर्व है, वहाँ तक आ गए हैं। और यहाँ पे एक व्यू पॉइंट था जो जाते हुए सोचा था जाएंगे, तो वहाँ पे आ गए हैं। एक कुछ ऐसा व्यू पॉइंट है, यहाँ पे नीचे से चल के आना पड़ता है। और वो भी एक पानी दिख रहा है, वो पता नहीं कैसा है, क्या सीन है उसका, इधर भी पानी होगा और फिर देखते हैं जाके क्या सीन है उसका भी। और भाई राघव बैठा है, स्टोरी डाल रहा है, और व्यू देख भाई यहाँ का अल्टीमेट। ये देखो पीछे भाई दिख रहा है जहाँ पे हम जाके आए हैं। इस व्यू पॉइंट पे आ रखे हैं, और एक ये भी है पिकनिक स्पॉट। और ये देखो, तो भाई क्रक्स ऑफ द ट्रेल आप बताना चाहते हैं, आप 2.5 किलोमीटर चले जाओ तब तक सही है, उसके बाद जाके कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आप फैमिली वगैरह के साथ आ रहे हो, ऐसा कोई सीन है, तो आप जाओ 2.5 किलोमीटर तक, वहाँ तक आपको ट्रेल अच्छा मिल जाएगा, व्यूज़ अच्छे मिल जाएंगे। उसके आगे भाई कच्चा रास्ता है, कोई फ़ायदा नहीं है जाके। फिर भी आप जाना चाहते हो, हम लोग गए एक्सप्लोर करने के लिए तो अपने को कुछ मिला नहीं भाई, तो ना ही जाओ तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ के व्यूज़ बढ़िया हैं, यहाँ पर बैठ के टाइम स्पेंड करो, वो ज़्यादा बेटर है भाई, और नेचुरल सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करो भाई। आगे जाने का कोई पॉइंट नहीं है, 3 किलोमीटर के बाद कुछ नहीं है, गांव पड़ता है, कोई आगे 6.5 किलोमीटर का ट्रैक नहीं है। ये प्लेस ज़्यादा बेटर है, सीनिक व्यूज अच्छे हैं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब कुछ यहाँ अच्छी हो सकती है, तो आई प्रेफर कि आप यहाँ आओ। तो भाई मिर्ज़ापुर गाँव आता है, वो देख लो, कोई फ़ायदा नहीं है जाके आगे। तो ये नेचुरल ट्रेल्स बहुत अच्छे हैं, है ना, यहाँ तक कोई कोई जानवर जुनवर बोलते हैं, कैंपिंग का स्पॉट है, अपने को तो भाई कुछ नहीं दिखा कैंपिंग का स्पॉट। तो आ जाओ भाई, ज़्यादा टाइम ऐसा नहीं है कि पूरा दिन निकाल के आओगे तो ही हो पाएगा, यहाँ पे मैं नॉर्मल भी आ सकते हो, 3-4 घंटे मैक्सिमम में आपका ट्रेल व्यू सब कुछ कंप्लीट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ भाई, खाने का कुछ नहीं है रास्ते में, अगर आप सोचो कि ट्रेल आगे दुकान मिलेगी, कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे शुरू के सिसवान के स्टार्टिंग पॉइंट में ही है, वहीं पर है जो कुछ है खाने का। और अगर पिकनिक में आ रहे हो तो सामान लेके आओगे, वैसे सोलो या दोस्तों के साथ जा रहे हो तो चिप्स वगैरह पानी की बोतल ले आना, अगर ट्रैक करने आगे जा रहे हो ट्रेल पे तो प्यास और भूख लग सकती है, जैसे हमें अब लग रही है, काफ़ी देर हो गई है एक्सप्लोर आपके लिए करते करते, तो अब जाके नीचे खाएंगे। तो भाई लोग हेडिंग बैक, मिस्टर राघव ऑन द फ्लोर। तो भाई हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे, है ना, और मस्त इंजॉय हो गया अपना, ठीक है, नेचर के साथ। एक चीज़ बताऊंगा ना, यहाँ पे जब आप ट्रेल शुरू करोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली यार, यहाँ पे वॉच टॉवर है जो 360 डिग्री ये वाला नहीं मिला हमें, पता नहीं हम शायद गलत रास्ते पे थे अब, लेकिन हम तो सही रास्ते पे गए थे, ये नहीं मिला। और एक चीज़ यहाँ पे कैंपिंग साइट है, तो ये भी नहीं दिखी यार हमें, तो कुछ कुछ चीज़ें थी जो यहाँ पे लिखी हुई हैं जो मिल गई थी, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं मिली। तो भाई आप आओ एक्सप्लोर करो यहाँ पे। तो भाई आप आगे नीचे, तो अपना ट्रेल कम्प्लीट हो गया जैसे मैंने आपको दिखाया, और यहाँ पर हमने पानी वानी की बोतल खरीदी मैंने और राघव ने, थोड़ा सा 15-20 मिनट रेस्ट और हम लोग चलेंगे वापस। और स्टार्टिंग पॉइंट में जब आप आओगे ना, तो यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो, जैसे ये देखो बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, बहुत सारे नहीं हैं आज, कम है, है ना, और संडे के दिन आओगे तो बहुत सारे लोग दिखेंगे आपको बोटिंग करते हुए यहाँ पे। प्लस क्या बोलते हैं, बोटिंग के जो प्राइसेस हैं कुछ ऐसे हैं भाई, बोटिंग के प्राइसेस कुछ ऐसे हैं कि जो पैडल बोट है वो 100 रुपये पर पर्सन है, उसमें जो बच्चा है उसके 50 रुपये लगेंगे एक बच्चे के, और जो इलेक्ट्रिक बोट है वो 4 लोगों के 800 रुपये लगेंगे, तो मतलब 200 रुपये पर पर्सन हो गया, लेकिन वो 4ों के साथ ही जाएगी। जो शिकारा बोट है उसके 250 पर पर्सन है, तो पैडल और शिकारा आपको 30 मिनट के लिए राइड होगी आपकी, जो मैंने आपको बताया है, और जो इलेक्ट्रिक बोट है उसकी 20 मिनट की राइड होगी आपकी। और शुरू में कुछ आपके वो भी हैं, क्या बोलते हैं, स्टेइंग ऑप्शन भी हैं, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है, हम वहाँ नहीं गए हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोग एक्सप्लोर करो इस चीज़ को, और जो चीज़ें मैं नहीं कवर अप कर पाया और जो नई चीज़ें आपको पता है, कमेंट डाउन इन द वीडियो और आप मेरे को बता सकते हो, और एक्सप्लोर करके जो मेरी हेल्प से आप जो चीज़ें एक्सप्लोर कर पाए उसको भी बता सकते हो। सो इस वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं, साइनिंग ऑफ द वॉन्डरिंग योद्धा, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू सून, टेक केयर।